Hi everyone. On popular demand, I am making the vegetable which you people have asked on my YouTube video, which has been the most popular video, Mummy Ke Haath Ka Nashta, means the breakfast made by my mother. And you people have been asking so many times about the vegetable, how we make it, and so today I am making it. This is 10 to 12 cloves of garlic, one green chili, and a small portion of adrak. Not exactly a small portion, adrak thoda sa, aap jyada bhi le sakte. You can take little more of ginger. The more the ginger, the more the garlic, the more it will be having a medicinal value, actually, this curry which I'm going to make. तो हेलो, आप सबकी पॉपुलर डिमांड पे मेरा सबसे पॉपुलर यूट्यूब वीडियो मम्मी के हाथ का नाश्ता, जिसमें जो मैंने करी बनाई है उसके लिए आप लोगों ने बहुत डिमांड करी है मेरे को बोलने के लिए कि कैसे वो आप सब्जी बनाते हैं. तो आइए देखिए, उस सब्जी की बहुत मेडिसिनल वैल्यू है क्योंकि उसमें खूब अदरक लहसुन डलता है, जो कि एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर 10 से 12 क्लोव्स गार्लिक के, एक चिली और एक अच्छा पोर्शन मैंने अदरक का चॉप करा हुआ है. तो अब मैं ये और एक प्याज को मैंने चॉप किया. सी, आई हैव चॉप्ड वन अनियन एंड विल चॉप इट नाइसली इन दिस चॉपर. एंड दीज आर द फोर टमाटोज, बिग टमाटोज आई हैव टेकन. और ये बड़े चार टमाटर लिए हैं. दिस करी हैज अ वेरी मेडिसिनल वैल्यू बिकॉज इट रिमूव्स एसिडिटी, गैस ट्रिक प्रॉब्लम, एज इट हैज लॉट्स ऑफ क्लोव्स एंड जिंजर इन इट. सो लेट्स कम विद मी एंड सी. नाउ दिस इज अ वॉक, आप देख सकते हैं ये कढ़ाई है. और तेल मैं ज़्यादा डालना पसंद नहीं करती, आई डोंट लाइक टू पुट मोर ऑयल एंड आई लव टू यूज मस्टर्ड ऑयल. मेरे को मस्टर्ड ऑयल ही यूज करना पसंद है सब्जियों में, क्योंकि बहुत हेल्दी ऑयल है. दिस इज अ वेरी हेल्दी ऑयल, आई थिंक दिस इज मोर देन एनाफ. ये होगा 2 to 2.5 teaspoon. ये 2 से 2.5 teaspoon तेल होगा. अब इसको स्मोक होने देते हैं. लेट इट स्मोक. मेरे चॉपर को टेप लगी हुई है, लॉकडाउन पीरियड है, न्यू चॉपर्स मिल नहीं रहे हैं, सो जिसमें है गुजारा कर रहे हैं. अब देख, यू कैन सी माय चॉपर इज टोटली गॉन सिंस इट्स लॉकडाउन पीरियड एंड आई एम नॉट एबल टू बाय अ न्यू वन. So I am using it, whatever is available with me. Tomatoes would have been red in color, so the gravy could have come out very red and very nice, with very nice color. अगर ये लाल ज़्यादा टमाटर होते तो बहुत प्यारा कलर आता, but now I am doing whatever is available to me. अब पर मैं उन्हीं टमाटरों से बना रही हूँ जो मेरे पास अभी अवेलेबल है. See, my mustard oil has been smoked very well. आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से स्मोक हो गया. मैं अभी इसको बंद कर दूंगी बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू पुट एनी मसाला इन इट राइट नाउ इट विल गेट बर्न्ड. सो लेट इट कूल डाउन फॉर 1 मिनट. अगर मैंने अभी इसमें इस गर्म तेल में कुछ मसाला डाला तो वो जल जाएगा, तो इसको 1 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं. रोवन गार्लिक आई हैव पुट इट इन द वॉक. अब आप देख सकते हैं मैंने गार्लिक और अदरक को डाल दिया और ये हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए और मैंने हल्की सी गैस सिम पे कर दी है. I have switched on the gas on sim and let it get golden brown. I put onion in this. After making golden brown, the garlic and the ginger. आपने देखा कि मैंने अदरक और लहसुन को ब्राउन करने के बाद अब इसमें क्या डाल दिया है. Let it get golden brown. अब इसको भी golden brown होने दीजिए. Meantime, I will chop tomatoes. तब तक मैं टमाटर काटती हूँ. Golden brown and now you can see I put tomatoes in it. प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए थे और मैंने इसमें टमाटर डाला है. आप देख सकते हैं टमाटर की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी डाली गई है, पर ये हरे टमाटर थे इसलिए इसका कलर लाने के लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा. पर फिर भी वैसा रेड कलर तो नहीं आएगा अगर लाल टमाटर होते, पर हाँ कोशिश पूरी करूँगी. एंड मैंने खूब सारा इसमें अदरक और लहसुन भी डाला है. प्याज की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखी है, हल्की, एक छोटा प्याज. You can see I put a very small onion in this, but the quantity of ginger, garlic and tomato is good since it was almost green tomatoes. So it will take a lot of time for me to get the color, but I'll try my best. If it would have been red tomatoes then the color would have been really nice, but I'll try my best.
नाउ लेट इट गेट सॉटे, अब इसको सॉटे होने दीजिए, कलर लेने दीजिए इसको अपना, लेट इट गेट इट्स ओन कलर, मीन टाइम आई विल डू अदर थिंग्स, मैं बाकी काम करती हूँ। सो नाउ यू कैन सी दिस इज द मैक्सिमम रेड कलर आई कुड गेट फ्रॉम दिस, आई मेक ग्रीन टमाटोज, ग्रीन टमाटोज वो जो बिल्कुल ऑलमोस्ट हरे टमाटर थे उनसे इतना मैक्सिमम मेरा ये रेड कलर आ चुका है। अब देखते हैं, अब इसमें हम डालेंगे मसाले, नाउ लेट्स पुट द मसाला, दिस इज सॉल्ट 2 टीस्पून, दिस इज गरम मसाला 1/4 टीस्पून, 2 चम्मच नमक 1/4 टीस्पून, गरम मसाला आधा क्या बोलेंगे 1/4 से भी थोड़ा लाल मिर्च, लेस देन 1/4 इज ग्रीन चिली सॉरी रेड चिली, एंड लेस देन 1/4 इज अगेन टर्मरिक, हल्दी भी 1/4 से कम, 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इसको थोड़ा सा पकने दीजिए और फिर हम अपने स्पेशल मसाला डालेंगे। अब ये लेट इट गेट कुक फॉर 1 or 2 मिनट एंड आई विल पुट माय स्पेशल मसाला इन, माय फेवरेट पाव भाजी मसाला विच आई टोल्ड यू कैन बी पुट इन एनी करी और अदर वेजिटेबल्स, इंडियन वेजिटेबल्स। मैं अपना फेवरेट पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी करी या सूखी वेजिटेबल में आराम से डाला जा सकता है। आई एम गोइंग टू पुट लेस देन 1/4 बिकॉज नहीं तो इसका कलर अच्छा नहीं आएगा, इसलिए इन मसालों को थोड़ा सा ध्यान से डालना पड़ता है टेस्ट के लिए, कलर ना खराब हो। वी हैव टू रियली पुट अ स्मॉल क्वान्टिटी बट नॉट दैट स्मॉल, सो दैट टेस्ट शुड कम बट कलर शुड नॉट गेट वेरी डार्कर येलो, गिव अ वेरी नाइस येलो कलर। नाउ अदर फेवरेट मसाला दैट इज राजमा मसाला, ये मेरा राजमा मसाला, अब मैं इसका भी 1/4 से कम डालूंगी, ओके लेस देन 1/4 से थोड़ा कम मसाला, अदरक लहसुन और लाल मिर्च का, दिस इज वेरी स्पेशल मसाला ऑफ जिंजर गार्लिक अनियन and red chili. I have to put this in a very small quantity and now see what beautiful color. Wow! आप देखिए कितना प्यारा कलर आ गया, लेट इट कुक फॉर सम टाइम, इसको थोड़ा सा भूनने दीजिए और मसाला इज रेडी। आप देख सकते हैं मसाला तैयार है, अब इसमें थोड़ा हिसाब से पानी, दिस वाटर कंसिस्टेंसी यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मसाला, इस वाटर की कंसिस्टेंसी को हमें मसाले के हिसाब से ही डालना पड़ेगा, अंदाजे से, यू हैव टू पुट इट अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द मसाला। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट सम मोर वाटर एंड नाउ लेट मी चेक अगेन, मैं दोबारा चेक करती हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं मसाला थोड़ा ज़्यादा है, करी थोड़ी कम है, यू कैन सी द मसाला इज लिटिल थिकर and the curry is little lesser. This is you have to see on your own. ये आपको अपने आप देखना है. Lovely. कितना प्यारा आ रहा है, इसमें भी थोड़ी सी गुंजाइश और है कि हम थोड़ा सा पानी और डाल दें, तो हम थोड़ा पानी और डालते हैं. So this is the basic consistency. You can see the masala is there and the curry is there and let the curry boil. अब curry को boil होने दीजिए, मसाला और curry बहुत अच्छी consistency में आ गए हैं. ये आपने अंदाजे से डाला, यू हैव पुट इट अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू द मसाला एंड नाउ लेट्स सी लेट इट गेट बॉयल, इसको बॉयल होने दीजिए फिर देखते हैं. एंड सी द करी इज गेटिंग बॉयल्ड नाइसली, लेट इट गेट बॉयल, अब आप देख रहे हैं कि करी बहुत अच्छे से बॉयल हो रही है. अगर इसके लाल लाल टमाटर होते तो इसका कलर बहुत सुंदर लाल आता, बट अब आपको टमाटरों की कहानी पता चल गई है. इफ इट वुड हैव बीन रेड रेड टमाटो द कलर वुड हैव बीन रियली नाइस रेड. But now you know the story of the tomatoes I have in the lockdown period. The Shabri Ke Ber part. अब Shabri Ke Ber वाला part आ रहा है, जो मेरे videos देखते हैं वो Shabri Ke Ber को समझते हैं, यानी कि testing time.
दिस इज अ टेस्टिंग टाइम. लिटिल सॉल्ट इज लेस, सॉल्ट थोड़ा कम है वो डाला जाए. आई पुट ऑल द मसालाज इन स्मॉल क्वांटिटी अगेन टू मेक इट मोर टेस्टी बिकॉज इट वॉज कमिंग लिटिल ब्लैंड, थोड़ा सा ब्लैंड आ रहा था. तो नमक और बाकी मसाले थोड़े थोड़े और डाल रहे हैं. अब इसको गलने देते हैं. लेट इट गेट बॉयल अगेन एंड देन आई विल चेक द टेस्ट. तो मैं टेस्ट चेक करूँगी एंड इट हैज बिकम यम यम यम. बहुत यमी बनी है, बड़ी मज़ेदार बनी है. एक तो मेडिसिनल वैल्यू, ऊपर से टेस्टी. इट हैज मेडिसिनल वैल्यू एज इट इज ऑल्सो टेस्टी. आई एम गोइंग टू एंजॉय माई लंच. मैं अपना लंच बहुत इंजॉय करने वाली हूँ. जरा सा और बॉयल होने देते हैं. Let it get boiled for 2 minutes. I am making it with jeera rice. You can make it with paratha, stuffed paratha, potato paratha, cauliflower paratha. This is jeera rice. मैं jeera rice के साथ आज इसको बना रही हूँ और बहुत मज़ा आने वाला है इसको jeera rice के साथ खा के. आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हो, गोभी आलू किसी भी. बेसिकली हम पराठा के साथ खाते हैं पर आज मैंने जीरा राइस बना दिया. डिश इज रेडी. आई एम गोइंग टू पोर इट इन अ सर्विंग बोल. आई शो यू सून. अब मैं इसको सर्विंग बोल में डालूंगी एंड गार्निश विद कोरिएंडर लीव्स. अब मैं इसको सर्विंग बोल में डालूंगी, इसको गार्निश करूंगी. ये देखिए मसाला, हरी धनिए के पत्ते से. ला इज रेडी. आप देख सकते हैं मेरा अदरक टमाटर की सब्जी तैयार है. दिस इज जीरा राइस. आप देख सकते हैं दिस इज राइस विथ जीरा, क्यूमिन सीड्स एंड हियर माय लंच इज रेडी टू ईट. एंजॉय. बाय.